गाइज ये आपके लिए काफी स्पेशल वीडियो है। अब आप सिर्फ 100 रुपए के अंदर आपके नॉर्मल मिरर को कन्वर्ट कर सकते हो टच एलईडी मिरर में। अगला सवाल आ रहा होगा कि सेंसर्स कहां से लें? तो ये है सारे के सारे टच एलईडी मिरर सेंसर्स। इसमें आपको सिंगल एलईडी मिरर सेंसर मिल जाएगा, ड्यूअल एलईडी मिरर सेंसर मिल जाएगा, 3 एम्पियर्स वाला मिरर सेंसर मिल जाएगा, 5 एम्पियर्स वाला मिरर सेंसर मिल जाएगा और साथ ही साथ 500 वॉट एसी लोड हैंडल करने वाला भी टच सेंसर मिल जाएगा। इन सेंसर्स में आपको डिमिंग फीचर भी मिल जाता है। हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं दिवाली सेल ऑफर, जहां पर आपको 3 एम्पियर टच सेंसर बल्क क्वांटिटी में 50 रुपीज पर पीस मिलने वाला है और ये 5 एम्पियर के टच सेंसर 110 रुपए पर पीस बल्क क्वांटिटी में मिलने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, आप डायरेक्टली कॉल करके ऑटोमेशन ड्यूड का रेफरेंस देके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। चैनल पर अगर आप नए हो तो याद से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना और मैं अभी आपको दिखाता हूँ इन सारे सेंसर्स की वायरिंग और वर्किंग। पहले 3 एम्पियर का सेंसर देखते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है वेयर आई हैव शोन कि ये एलईडी मिरर आप कैसे बना सकते हो। सारी चीजें आपको आपके घर के पास वाले हार्डवेयर स्टोर में आसानी से मिल जाएंगी। बैक टू द टॉपिक, यहाँ 3 एम्पियर में आपको 2 टाइप के सेंसर्स मिल जाते हैं। सिंगल एलईडी सेंसर में आपको 2 इनपुट वायर्स और 2 आउटपुट वायर्स दिख जाएंगी। इनपुट वोल्टेज सारे ही टच सेंसर्स में 12 वोल्ट डीसी देना है। पावर सप्लाई देने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ 12 वोल्ट लाइपो बैटरी का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही हम सेंसर को पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं, सेंसर के अंदर एक व्हाइट कलर की लाइट लग जाती है। सेंसर के आउटपुट साइड आपको 2 वायर्स मिलेंगी, एक है रेड और दूसरी है व्हाइट, जहाँ रेड है पॉजिटिव और व्हाइट है नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको आपके मिरर की एलईडी लाइट कनेक्ट करनी है या फिर कोई भी एलईडी लाइट आप कनेक्ट कर सकते हो। तो रेड में लगानी है पॉजिटिव, और व्हाइट में लगानी है नेगेटिव। कनेक्शन लिटरली इतना ही सिंपल है। यहाँ जैसे ही हम सेंसर को टच करते हैं, सेंसर की व्हाइट लाइट कन्वर्ट हो जाती है ब्लू लाइट में, विच इंडिकेट्स दैट अभी आउटपुट ऑन हो चुका है और साथ ही साथ आपका जो एलईडी लाइट है वो भी ऑन हो जाएगा। वापस अगर आप टच करोगे तो एलईडी लाइट ऑफ हो जाएगा। अभी ऑन करने के बाद अगर आप इस सेंसर को टच करके रखते हो तो लाइट का ब्राइटनेस आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने टच किया तो ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगा, उसके बाद अगर वापस लॉन्ग टच किया तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा। तो इस लाइट का ब्राइटनेस आप आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो और आपको एक्सटर्नल कोई सर्किट लगाने की जरूरत नहीं है। बल्क क्वांटिटी में 50 रुपए पर पीस ये सेंसर मिलने वाला है गाइस, और क्या चाहिए। सिमिलरली 3 एम्पियर में आपको ड्यूअल एलईडी सेंसर भी मिल जाता है, जहाँ पर इनपुट तो सेम ही है 12 वोल्ट्स, लेकिन आउटपुट साइड आपको 3 वायर्स देखने को मिलती है। इन 3 वायर्स में से रेड वायर है पॉजिटिव, व्हाइट और ब्लू वायर है दोनों नेगेटिव और 2 डिफरेंट कलर्स ऑफ एलईडी। तो व्हाइट पर आपको 1 एलईडी स्ट्रिप का नेगेटिव कनेक्ट करना है, सिमिलरली ब्लू पर आपको 2 एलईडी स्ट्रिप का नेगेटिव कनेक्ट करना है और दोनों एलईडी स्ट्रिप के पॉजिटिव कॉमन करके आपको रेड वायर से जोड़ देने हैं। तो मार्केट में ऐसी एलईडी स्ट्रिप लाइट्स भी मिलती है जो ड्यूअल कलर की होती है, जिनके ऊपर 3 टर्मिनल्स होते हैं, या फिर आप अलग अलग एलईडी स्ट्रिप लाइट्स भी यूज कर सकते हो जैसा मैंने इस वीडियो में किया है। तो इसमें फर्स्ट टच करने पर एलईडी लाइट ऑन हो जाती है, उसी मोड में अगर हम इसे लॉन्ग टच करते हैं तो उस एलईडी लाइट का ब्राइटनेस एडजस्ट होता है। देन सेकेंड टच पर सेकेंड एलईडी लाइट ऑन हो जाती है और अगर उसी मोड में हम लॉन्ग टच करेंगे तो उस सेकेंड एलईडी लाइट का ब्राइटनेस एडजस्ट होता है। एंड देन अगर हम थर्ड टच करते हैं तो दोनों एलईडी लाइट्स एक साथ ऑन होती है, उसी मोड में अगर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उन दोनों लाइट के कॉम्बिनेशन का ब्राइटनेस एडजस्ट होता है। तो ये होता है सिंगल एलईडी सेंसर और ड्यूअल एलईडी सेंसर के बीच का फर्क। अब अगर इस सेंसर के सेंसिंग रेंज की बात करें तो ये काफी अच्छी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने 5 mm डेप्रॉन की शीट इसके ऊपर रखी है, स्टिल इट इज सेंसिंग द टच। तो अगर आप इसे मिरर के ग्लास के बैक साइड लगाते हो, स्टिल इट विल वर्क परफेक्टली फाइन। इन सेंसर्स के साथ आपको इसकी अटैचमेंट क्लिप भी मिल जाती है, तो सिंपली आपको इस क्लिप को इस डबल साइडेड टेप से अटैच कर लेना है आपके मिरर के पीछे और इस सेंसर को उसके अंदर स्लाइड कर देना है। दैट्स व्हाई आई सेड कि इसका इंस्टॉलेशन भी काफी आसान है, कोई भी कर सकता है। अब ये तो हुए 3 एम्पियर सेंसर्स। सेम यहाँ पर 5 एम्पियर के सेंसर्स है, जहाँ पर आपको अगेन सिंगल एलईडी और ड्यूअल एलईडी सेंसर्स मिलते हैं। तो इनका भी वर्किंग आप देख लो, सेम टू सेम है एज 3 एम्पियर, बस इसमें आप और ज्यादा हेवी एलईडी लाइट्स लगा सकते हो। ड्यूअल एलईडी सेंसर में आपको 3 टच करने पर 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन लगा पाओगे और साथ ही साथ ब्राइटनेस भी आप एडजस्ट कर पाओगे।
ये तो बात हुई डीसी टच सेंसर्स की, अभी बात करते हैं एसी टच सेंसर की। तो यहाँ पर जो टच सेंसर है ये आता है मोमेंटरी मोड में, दैट मींस कि आप अगर इसको टच करोगे तब आउटपुट ऑन हो जाएगा एंड एज सून एज यू रिमूव द टच आउटपुट ऑफ हो जाएगा। इसका यूज हम एलईडी लाइट के लिए नहीं कर सकते हैं, इसका यूज आप कर सकते हो डोरबेल के लिए, क्योंकि एज यू नो डोरबेल काम करती है मोमेंटरी मोड पे, तो दैट इज वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। ऑल तो और आप इसका यूज सिक्योरिटी सिस्टम्स में लाइक पैनिक बटन्स या इमरजेंसी अलार्म्स के लिए भी कर सकते हो, जहां अलार्म को एक्टिवेट करना होता है टेम्पररी बेसिस पे, और ये इसके ऊपर 500 वाट का लोड हैंडल कर सकता है। यहाँ पर एक कंट्रोलर मिल जाता है, उसी के साथ आगे सेंसर है। कंट्रोलर में आपको टोटल 4 वायर्स हैं, 2 वायर्स में आपको लगाना है 230 वोल्ट एसी इनपुट, इसकी रेंज है 170 से 230 वोल्ट एसी इनपुट। इसके ऊपर मैं आपको एक एलईडी लाइट कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि मोमेंटरी मोड एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। अब मोमेंटरी होने के कारण इसमें आपको डिमिंग फंक्शन नहीं मिलता है, बट इस एसी टच सेंसर की एप्लीकेशन मिरर एलईडी लाइट से अलग है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल इन हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। टच स्विचेस के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, इनमें कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल पार्ट नहीं होता जिसकी वजह से लंबे समय तक चलते हैं, स्लीक डिजाइन होती है, सेफ्टी इनमें ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल स्विचेस, इंस्टॉलेशन भी इनका काफी आसान होता है। गाइस ये एक लिमिटेड टाइम डील है, सो मेक श्योर कि आप हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल करके आपके टच सेंसर्स मंगा लो और आपका टच एलईडी मिरर या अदर कोई एप्लीकेशन में उसे यूज करना स्टार्ट कर दो, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना।